हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सबको न्यूज तो आ ही गया होगा पबजी बैन का। एंड भाई जो लोग बोल रहे कि बहुत लाइक उनको टेंशन हो रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, क्योंकि पबजी जब था तब टेंशन लेने का बात था। क्योंकि पबजी जब था ना, तो इट सीम्स कि वो इन्फॉर्मेशन जो है चाइना तक दे रहा था, अपना जो डेटा जो भी है वो चाइना तक पहुँचा रहा था, एंड द कंट्री वॉज नॉट वेरी सेफ ऑन दैट। तो अभी अच्छा है, यू नो, एक पबजी बैन इज अ गुड थिंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज बहुत लोग को ना चांस मिलेगा, बहुत लोग को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, बहुत लोग को ये कहना है ये एक न्यू बिगिनिंग है। ये बिगिनिंग बहुत अच्छा होने वाला है गेमिंग के लिए, एंड जो लाइक सबके लिए ये एक बहुत अच्छा बिगिनिंग होगा। बहुत लोग अभी गेमिंग में घुस रहे थे, एंड नो पबजी वोंट बी द लाइक पबजी एक ना कॉन्टेंट क्रिएटर्स को लिमिट कर दिया था पबजी, कि भाई अगर तुम पबजी खेल रहे हो तो लोग तुमको देखने आएंगे। था भी ये था कि लोग पबजी को ही देखना पसंद करते थे, बट अब उन लोग को एक चांस मिलेगा, अब उन लोग को एक यू नो एक वे मिलेगा न्यू चीज ट्राई करने के लिए, विच इज़ गुड। एंड ऑल्सो जो लोग बोल रहे हैं कि भाई एंड मोदी, हैशटैग एंड मोदी, देखो मोदी जी ने जो भी किया है बहुत 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 सोच समझ के किया, क्योंकि वो खुद बोले थे कि भाई गेमिंग अगर इंडिया में बढ़ रहा है इतना, उनको अच्छा लगा कि इतना इंडिया में गेमिंग बढ़ रहा है, तो अब वो अगर ऐसा कुछ स्टेप लेंगे, इतने ऐप्स लोग इतना कंटेंट बनाते हैं, इतने लोग का करियर यू नो दाव पे है, तो अगर कुछ इतना बड़ा डिसीजन लेंगे तो कोई ऐसे ही नहीं लेगा, इतने लोग साथ में रह के लेते हैं। एंड ये कंट्री के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है, कंट्री कम्स फर्स्ट, बिकॉज कल कोई क्या पता छोटा मोटा डेटा हमको बहुत यू नो प्रॉब्लम दे, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज अ गुड थिंग कमिंग फ्रॉम मी, लाइक कमिंग फ्रॉम मी हु इज ऑल्सो पबजी लवर, जिसका फेवरेट गेम ही पबजी है, आप मेरे वीडियोज देखे रहोगे ऑब्वियसली। तो कमिंग फ्रॉम मी आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट ओपन्स अ डोर फॉर ऑल कॉन्टेंट क्रिएटर्स एंड यू नो ऑल पीपल जिसका पबजी में सक्सेस नहीं हुआ, अब उनको उनके लिए एक डोर आ गया है कि लाइक कि भाई ये डोर खोल के अब तुम और आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे पास और चांसेस है। पबजी ना एक लिमिट कर गया था हम लोग को, तो अभी वो नहीं होगा। मेरे को इतने फ़ोन्स आ गए, मेरे को इतने मैसेजेस आ गए, यू नो बैन होते ही मैं सो रहा था, एंड जैसे मतलब आया मॉम, मेरे को मेरे मॉम को फ़ोन आया कि अब तेरा बेटा क्या करेगा, लाइक सुनी क्या नहीं हुई, बोले क्या हुआ, वो बोले पबजी बैन हो गया, मॉम बोले ओ भाई पबजी बैन हो गया, मॉम खुश हो गए उल्टा। तो मेरे को भी ऐसे फर्स्ट ये लगा कि भाई बैन होगा नहीं, इतना ईजी बैन नहीं होगा, ऐसे कैसे, पहले भी आया था रूमर, अभी भी नहीं होगा। बट फिर न्यूज़ में देखा सब डालने लग गए कि पबजी बैन होगा, एंड यस हो गई पबजी बैन। तो भाई ऐसा होगा तो अच्छा है, यू नो इट्स गुड, क्योंकि हमको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा एंड हमको मूव ऑन करना सीखना पड़ेगा। अभी ये गेम ही था, ये खुश रहो कि भाई जो कंटेंट क्रिएटर्स थे अभी भी उनके पास एक चांस है, यू नो टू क्रिएट कंटेंट फॉर यू गाइस। अभी अब वो लोग दूसरा गेम खेलेंगे, दूसरे गेम में और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये इससे ना गाइस एक इंडिविजुअल क्रिएटर की और टीम में भी जो भी क्रिएटर्स हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वो अभी पहले क्या है पबजी का जो गेम प्ले होता था बस स्किल्स लेके डाल दिए, अब वो लोग एक्चुअली देखेंगे कि पब्लिक क्या चाहती है एंड पब्लिक के लिए कुछ करेंगे, तो दिस इज़ गोना बी ह्यूज, इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग। एंड यू नो आई होप कि यू नो ऑडियंस सपोर्ट करती रहे कंटेंट क्रिएटर्स को, एंड आई होप कि आगे भी इतना बड़ा इश्यू नहीं हो, कोई टेंशन वाली सीन ही नहीं है गाइस, इसमें बहुत चिल है। उल्टा जो लोग पबजी अच्छा नहीं खेलते वो लोग भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे गेम्स आएंगे एंड दूसरे चांसेस आएंगे, दूसरे यू नो बिल्ड करेंगे, ऐसे साथ में रहे सब, साथ में हमने स्टार्ट किया था पबजी, साथ में अब दूसरा गेम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, एंड सबसे अच्छी ये बात है कि भाई जो भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था, अगर पबजी बैन नहीं होता तो अगर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता अभी वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अब डेटा हमारा सेफ है, तो दैट्स द वन थिंग दैट वी शुड बी मोस्ट हैप्पी अबाउट गाइज। सो आई थिंक आप लोग को जो अगर कोई टेंशन ले रहा है तो भाई टेंशन मत लो यार, गेम तो गेम ही है, आखिर में हम पबजी खेल के भी हम लोग इरिटेट तो होते ही थे ना कि भाई कितने ग्लिच है और कितने ये है। ऑब्वियसली पबजी विल बी मिस्ड, क्योंकि भाई पबजी तो मिस हो गई कि भाई बूट कैंप उतरना, एयर एंगल में M4 स्प्रे देना, मेरा मन में स्नाइपिंग करना, सानोक में सांप बनना, कैंपर लोग तुम्हारे लिए भी है ये वीडियो, कुछ भी हो
मिस तो सब कुछ होगा ही 100%, बट मिस से ज़्यादा आई थिंक आर सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड आर कंट्री एंड आर नेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो आई होप इट्स सेफ नाउ. अगर पहले नहीं था इतना तो आई होप कि यू नो अब बेटर हो. अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई शेयर मत करो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, चलेगा. बट भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है यार, गवर्नमेंट एंड मोदी सर, मोदी जी को प्लीज़ हेट मत करो यार. वो हमारे हमारे लिए कुछ अच्छा किया उन्होंने. सो लेट्स जस्ट थैंक मोदी जी एंड यू नो वेट फॉर द नेक्स्ट मूव. क्या होगा अब, चलो साथ में ही रहेंगे. वी ऑल आर टुगेदर, स्टे टुगेदर. थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय.